हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रिंस और आज मैं प्रूफ करूँगा फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का। इसका दो फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सेकंड फार्मूला है वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम फर्स्ट फार्मूला प्रूफ करेंगे एल एच एस से, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी को लिख देना है और कुछ नहीं करना है, बस ये ए क्यू प्लस बी क्यू को एक साथ लिखना है और इसका फार्मूला यूज़ करके हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है इसका फर्स्ट फार्मूला। और जो बचा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, अभी कुछ नहीं करना है। a प्लस बी का होल क्यू और प्लस सी क्यू को एक जगह लिखना है और इसमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे, थ्री ए बी और यहाँ पे बचेगा a प्लस बी और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस सी। और कुछ नहीं करना है अभी फिर से यहाँ पे इसको हम a मान लेंगे और इसको b, तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि फैक्टर फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला यूज़ करेंगे a a प्लस बी इंटू इंटू क्या हो जाएगा a a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी और प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमने जिसको माना था वो हमने लिख दिया। अभी कुछ नहीं करना है, माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी को हम लिख देंगे और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए और यहाँ पे इसका फार्मूला हम पुट कर देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुना करेंगे तो बचेगा क्या माइनस सी ए और यहाँ पे करेंगे तो माइनस बी सी, ये हो गया प्लस सी स्क्वायर और ये अंदर चला जाएगा तो माइनस थ्री ए बी बचेगा और फिर ये थ्री ए बी बचेगा और यहाँ पे प्लस टू ए बी हम पॉजिटिव या निगेटिव तो इसका कैलकुलेशन हम करके लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये बचेगा और फिर क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर इसको हम सजा के ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हो गया। अभी हम सेकंड फार्मूला को भी इसी में प्रूफ करेंगे। सेकंड फार्मूला हमारा क्या था, वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसको भी हम इसी में हम प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। और हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फार्मूला जो कि हमने पहले भी प्रूफ किया है, तो उसका हम यूज़ करके इसका कैलकुलेशन करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। और इसका फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, इसका फार्मूला होता है वन बाई टू, यहाँ पे वन बाई टू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अभी कुछ नहीं करना है, वन बाई टू को बस फर्स्ट में लिख देना है, वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी और फिर यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर जो कि आर एच एस प्रूव्ड होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद, थैंक।